से पहले भी देखा गया है कि कई बार यात्राएं हुई हैं, तो पहले की यात्राओं में और अब की यात्राओं में क्या कुछ नया परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, समय कम था इसलिए पहले एक यात्रा होती थी, अब चार यात्राएं हैं और कम समय में 200 विधानसभा क्षेत्रों को नापना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि 19 दिन में एवरेज 18-19 दिन में 10,000 किलोमीटर की और 200 विधानसभा क्षेत्रों की इस यात्रा को पूर्ण किया और हम कामयाब हुए अपने मुद्दों को स्थापित करने में। पुनिया जी, आपके और वसुंधरा जी के जो खिस्से हैं वो बड़े चर्चित रहते हैं कि वसुंधरा जी के साथ आपकी बहुत बार नाराजगी रही है, ये कहाँ तक सत्य है और वसुंधरा जी से आपकी बात कब हुई लास्ट बार? कोई नाराजगी नहीं है, जेपी नड्डा साहब आए थे उस समय सबके साथ ही बात हुई, बैठकों में मिलते हैं, अच्छे सद्भाव के साथ मिलते हैं, मैं उनकी पहले भी सम्मान करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। में भाजपा की परिवर्तन यात्रा बड़े जोर शोरों से चल रही है, जनता में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ सतीश पुनिया जी जुड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। पुनिया जी, परिवर्तन तो हर 5 साल में होता रहता है राजस्थान में, तो परिवर्तन यात्रा की अब क्या खास आवश्यकता पड़ गई आपको? देखिए, हम सत्ता में अपनी खूबियों के आधार पर आना चाह रहे हैं, उनकी कमजोरियों के आधार पर नहीं, और उसी की कवायद है, जैसे आपकी प्रतिज्ञा है वैसे हमारी भी प्रतिज्ञा है कि हम ये परिवर्तन जो जनहित के मुद्दे हैं, किसान कर्जा माफी, उनकी वादा खिलाफी, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण, ये तमाम मुद्दे हैं जो सदन में भी हम लोगों ने उठाए और सदन के बाहर भी, इन मुद्दों पर लोगों में उद्वेलन है और यही कारण है कि हम लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं के मनोबल का निर्माण और जनता के बीच में इस बात के लिए एक प्रतिक्रिया, उसमें आक्रामक पैदा हो, आक्रोश पैदा हो और उसको हम लोग वोट के रूप में तब्दील करें, जनहित में उसको हम लोग और ज्यादा मुखर करें, यही इस यात्रा का बड़ा मकसद है। चुनाव से पहले भी देखा गया है कि कई बार यात्राएं हुई हैं, तो पहले की यात्राओं में और अब की यात्राओं में क्या कुछ नया परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, समय कम था इसलिए पहले एक यात्रा होती थी, अब चार यात्राएं हैं और कम समय में 200 विधानसभा क्षेत्रों को नापना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि 19 दिन में एवरेज 18-19 दिन में 10,000 किलोमीटर की और 200 विधानसभा क्षेत्रों की इस यात्रा को पूर्ण किया और हम कामयाब हुए अपने मुद्दों को स्थापित करने में। पुनिया जी, आपके और वसुंधरा जी के जो खिस्से हैं वो बड़े चर्चित रहते हैं कि वसुंधरा जी के साथ आपकी बहुत बार नाराजगी रही है, ये कहाँ तक सत्य है और वसुंधरा जी से आपकी बात कब हुई लास्ट बार? कोई नाराजगी नहीं है, जेपी नड्डा साहब आए थे उस समय सबके साथ ही बात हुई, बैठकों में मिलते हैं, अच्छे सद्भाव के साथ मिलते हैं, मैं उनकी पहले भी सम्मान करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। राजनीति में गॉसिप का, चर्चाओं का बड़ा स्थान है और इसलिए मुझे लगता है कि ये धारणा बना ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं। भाजपा में अब आप सुबह से देख रहे होंगे परिवर्तन यात्रा में आज आप थे, तो बड़े पैमाने पर दावेदार सामने निकल के आ रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ निकल के आ रही है, तो टिकट तो एक कोई मिलेगा, तो जो बागी होंगे उसको आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी आपकी पार्टी? देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं, टिकट मांगना गलत बात नहीं है और अपने लोगों को मुझे मुखर रूप से समर्थन में खड़ा करना, लेकिन अल्टीमेटली वो मोदी जी के नारे लगाते हैं, बीजेपी के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम करते हैं, भारत माता की जयकारा लगाते हैं, तो वो समर्पित है विचार के लिए, इसलिए निश्चित रूप से टिकट एक को मिलेगी, लेकिन ये सारी सामूहिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग हैं, कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ न परिवारवाद है न वंशवाद है, पार्टी के लोग पार्टी के झंडे के नीचे रहना पसंद करते हैं और पार्टी की ताकत को समझते हैं। आपकी केंद्र सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लेके आई है, तो ये 2026 में लागू होगा, जबकि इससे पहले आप राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, लोकसभा की भी चुनाव होंगे, तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है इस बिल को लागू करने में? मुझे लगता है कि ये मोदी जी ने इस बार हिम्मत करी है, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के भीतर आरक्षण किया, फिर वाजपेयी जी के समय ये बिल दो बार लाया गया, लेकिन कांग्रेस का, दूसरे दलों का सहयोग नहीं मिला क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी, उनके गठबंधन के लोग तो आज भी मन से तैयार नहीं है, लेकिन ये करना, और कोई भी जब बिल आता है, कोई कानून आता है तो एकदम से वो एनफोर्स नहीं होता है, उसको समय लगता है, 26 में परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद चुनाव होंगे, तो उसमें सभी लोगों को योग्य जो हिस्सा है वो मिलेगा, इसलिए किसी तरीके का संतोष की गुंजाइश नहीं रहेगी, पर ये ऐतिहासिक फैसला है जो भारत की महिलाओं के पक्ष में हुआ है। एक आपसे आखिरी सवाल है, आप चुनाव आमेर से लड़ेंगे, अबकी बार विधानसभा बदल रहे हैं? नहीं, कोई कारण नहीं, आमेर मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं, मेरा परिवार है और मेरा मन मेरे परिवार में लगता है, मेरी आत्मा बसती है, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आमेर की जनता, आमेर का कार्यकर्ता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगा। ये थे हमारे साथ
सतीश पुनिया जी, विशेष बातचीत में संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।